ये है हमारी पानी पूरी। तो ये है रेडीमेड, क्योंकि बनाने में बहुत ही मेहनत वाला काम है तो उतना नहीं हो पाएगा। और ये बाउल जिसमें हम रखेंगे, तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं पानी पूरी। और बहुत 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 लंबे टाइम बाद, क्योंकि इतना बोरिंग सा डे हो चुका था तो सोचिए थोड़ा इन्जॉयमेंट किया जाए। तो अब इसे करने से पहले हम लोग पानी तैयार करेंगे, तो चलते हैं। ले लिया है धनिया और मैंने इसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा सा सोवा भी लिया है और दो मिर्ची। और बाकी इसको थोड़ा सा और स्पाइसी करने के लिए मैं इसमें लाल मिर्च डाल दूँगी, जो इसको और इंटरेस्टिंग बना देगा। तो अब सबसे पहले इसको धो लिया जाए। तो चलते हैं अपनी बेसिन की तरफ, वो अब इसे धुलने का काम किया जाएगा। तो इसे हाथों धुलना पड़ेगा, तो मुझे कैमरा मैन की जरूरत पड़ेगी। तो ये मेरी छोटी बहन है जो उस वक्त मेरे लिए कैमरा मैन का काम कर रही है, और मुझे पता है कि पानी की वजह से आवाज़ मेरी नहीं आ रही होगी, तो अगर मेरी आवाज़ ना आए तो उसके लिए आई एम सॉरी। सारा धनिया नहीं डाला है और थोड़ा सा धनिया ही डाला है। तो अब हम लोग इसे ग्रीन करेंगे, पहले हम पानी नहीं डालेंगे और इसे बस ग्रीन कर। तो यहाँ पे मुझे पता नहीं फोकस क्यों नहीं आ रहा है, उतनी देर से मैं सेट करने लगी हुई हूँ। चलो फिर भी हटाएं। तो मैं ये वाला कप ले रही हूँ वाटर मेजर करने के लिए। तो अब पहले से हम लोग इसमें पानी डालेंगे। इसकी मेजरमेंट के हिसाब से इतना सही होगा। और पानी भी जग में ख़त्म हो गया और ये इतना ही हो पाया, तो पूरा नहीं डाल रही हूँ अभी भी। ये दो ही कप है तो मैं वही सेम स्पून का यूज़ करूँगी। पोजीशन थोड़ा चेंज कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो ये है, तो अब पहले हम लोग इसे थोड़ा थोड़ा डाल के स्टार्ट करते हैं। मैंने एक स्पून और लेना भूल गया था ताकि पहले मैं इसमें 3 टेबल स्पून डालूँगी इसको, चम्मच इसमें डाल रहा हूँ। और पानी का कलर अभी बहुत मस्त दिख रहा है, तो मैं जल्दी से स्पून लेके आती हूँ। तो अब इसमें मिलाएंगे इसको प्यार से। स्मेल करके देखते हैं इसे हम लोग। तो इसमें हम लोग को इसे पूरा मिलाना पड़ेगा तब ये कुछ अच्छे से रेडी हो पाएगा। मैं इसे कहाँ रखूँ, मुझे खुद ही मैं इसमें रख देती हूँ इसे। और अब मैं ये बचा हुआ पूरा डाल दूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पूरा ही लगेगा, क्योंकि मैंने अभी इसे थोड़ा सा टेस्ट किया था। ऐसे अच्छे से मिला दे, अभी इसका कुछ खास टेस्ट नहीं होगा क्योंकि मैं सिर्फ नॉर्मल पीसी थी धनिया और सोवा डाल के थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए। और मैंने इसमें नमक वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया था, तो अब मैं इसमें नमक वगैरह ऐड करूँगी। और ये टेक्निक मेरी सबसे अच्छी है, जो इसमें रह जाती है चटनी, जो वेस्ट हो जाती है उसको कंज्यूम करने के लिए। और वेस्टेज मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, तो अच्छा भी यही किया जाएगा। तो प्यार से घुमा घुमा के
बहुत प्यार से। तो ये हो गया हमारा काम, अब इसको हटा देते हैं और इसको अच्छे से मिला लें। मुझे लग रहा है मैं ये पानी भी डाल दूँ क्योंकि चटनी के हिसाब से इसमें धनिया की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, सोवा की भी आ रही है और मिर्ची की खुशबू कुछ खास नहीं आ रही है। तो अब हम लोग इसमें डालते हैं इसके मसाले जिससे ये एकदम मस्त तैयार हो जाएगा। इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है, मतलब मैं इसे हाथ से नहीं छू सकती, एकदम ग्रीन ग्रीन। के पानी के लिए मैंने सबसे मेन इंग्रेडिएंट मैं भूल गई थी तो मेरी बहन ने याद दिलाया, वो था इमली का पल्प। मतलब इमली को पानी में भिगो के रख दें तो वो तो मैं भूल गई थी, सच में मैं भूल गई थी। तो मैंने यहाँ पे खटाई का इस्तेमाल किया, इमली है मेरे पास लेकिन मैं खटाई डालूँगी क्योंकि मैंने एक बार बनाया था तो मैंने खटाई डाली थी तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैंने इसमें वही पानी पूरी वाले पानी का यूज़ किया है ताकि ये और अच्छा लगे। तो मैं इसमें अब थोड़ा सा नॉर्मल वाटर भी ऐड करूँगी ताकि ये कुछ ज़्यादा पानी वाला हो जाए क्योंकि इतने पानी से इसका कुछ नहीं होने वाला। तो इसमें इस कुछ खास नहीं करना है, इसको ऐसे इसी में छोड़ देना है और इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा चलाते रहना है, पानी इसमें और डालना है। इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि इसे थोड़ा सा पकाएंगे तो इसमें पानी जलेगा और आवाज़ तो बहुत प्यारी सी आ ही रही होगी। तो इसको तैयार हो चुका है और ये अभी भी गर्म है, इससे बहुत तेज स्टीम आ रही है तो इसको ऐसे ही डाल देंगे हम लोग इसमें, ये गर्म है तो मैं इसमें साथ में जो इमली थी वो भी डाल दे रही हूँ, मतलब खटाई, दैट्स नॉट इमली। इसको लेके और इसे मिलाएंगे और ये भी थोड़ा सा थिक भी लग रहा है चलाने में और इसमें इसको मिला देंगे। और अभी भी इसमें दो चीज़ बाकी है तो उसको भी जल्दी से लेके आते हैं। तो अभी मैं दो सामान की बात कर रही थी वो मैं ले आई हूँ और जिसमें से कहीं मैं निकाल नहीं हूँ इसलिए मेरा हाथ आ गया, जो थी लाल मिर्च जो इतनी सी पड़ेगी थोड़ी सी कि मैं नहीं चाह रही ज़्यादा तीखा जो क्योंकि मैं तीखा बिल्कुल नहीं खाती और मेरी बहन खाती है तो इसे मिला लें। इतनी काफ़ी होगी, मैं इससे काफ़ी भी नहीं होगी तभी मैं इसे ज़्यादा नहीं डालने वाली हूँ क्योंकि मुझे सच में तीखा नहीं पसंद है। और इसको जल्दी से बंद कर दें। तो अब डालेंगे हम लोग ये अवन भी अभी आवाज़ करता है, काला नमक। तो
पहले का मैंने जितना है मेरे पास, मुझे पूरा डालना होगा। वैसे मेरे पास है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इस वक्त अवेलेबल बहुत थोड़ी सी है, तो इसमें डाल दें। और ये स्मेल थोड़ा सा अजीब करती है, डार्क सॉल्ट काला नमक, जिसका नमक खाए हैं हम लोग काला नमक खाए हैं, तो इसमें जो लम्स वगैरह है तो मैं इसको ऐसे क्रश कर दूँगी। इससे ज़्यादा नहीं, कुछ ही बन गए थे। उसके बाद अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको मिक्स करेंगे हम लोग, मिक्स करेंगे तो अब हम लोग का पानी एकदम टकाटक रेडी है। और अब लोग इसे टेस्ट करते हैं, तो फिर टेस्टिंग टाइम। पानी एकदम परफेक्ट बना है और मैं सबको टेस्ट कराऊंगी। और ये फूल 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 रहा है। ये थोड़े से और बचे हैं और यहाँ बाकी हम लोग ने फ्राई करके रख लिया। और ये बहुत प्यारे प्यारे से हुए हैं, बस एक तरफ से ब्राउन एक तरफ से वाइट ही, ब्लैक एंड वाइट मूवी हो गई है। तो ये तो मुंह में जाएगा, उससे क्या। हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फ्राई कर रहे हैं। तो हम लोग का पानी पूरी एकदम बनके तैयार हो चुका है। और इसको बनाते वक्त जो थोड़ा सा मुझसे गड़बड़ हो गया था पानी, कुछ ज़्यादा ही, तो ये मेरी बहन ने ठीक कर दिया, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम पहले बनाई थी और मैं भूल चुकी थी। तो इसमें इमली और मसाले उसने थोड़े से और डाले। मैंने इमली नहीं डाली थी, मैंने खटाई डाल दिया था, इसलिए इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो गया था। और ये इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है। मटर और आलू डाल के कुकर में इसको बस मीठा सोडा नमक डाल के सीटी लगा दीजिए। और ये है रेडीमेड पूरी। और हम चारों लोग यहाँ बैठे हैं एकदम घेर के इसको, कि कब हम लोग इसमें टूट पड़े। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। और आपको अगर मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। बाय बाय।